मनेंद्रगढ़ के आमा खेलवा प्लेग्राउंड में हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया। इस ऐतिहासिक कदम को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने हाथों से शुरू किया। इस तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी और कुशलता लाने की योजना है। परीक्षण के दौरान चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक दवा भेजने में ड्रोन का उपयोग किया गया। साथ ही चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज के ब्लड सैंपल को समय पर मनेंद्रगढ़ लाया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ड्रोन को संचालित कर इसके महत्व को समझाया। उनका कहना है कि ये तकनीक ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षण के तहत चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज का ब्लड सैंपल लिया गया। ये सैंपल ड्रोन के माध्यम से मनेंद्रगढ़ के लैब तक पहुंचाया गया। परीक्षण के दौरान ड्रोन ने अपनी गति और सटीकता से सभी को प्रभावित किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि ड्रोन तकनीक से न केवल समय की बचत होगी बल्कि इमरजेंसी के मामलों में मरीजों को तुरंत मदद मिल सकेगी, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां परिवहन के साधन सीमित हैं। परीक्षण देखने पहुंचे स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना की। सामान्यता है, विशेष रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे राज्यों में जहाँ पे तत्काल रूप से ब्लड सैंपल लाने में या दवाइयाँ भेजने में जहाँ दिक्कत होता है, जहाँ 2-3 घंटे का सफ़र हो जाता है और ट्रैफिक वगैरह की वजह से समय पर ब्लड सैंपल नहीं पहुँच पाने में, दवाइयाँ नहीं पहुँच पाने में असामयिक मृत्यु भी हो जाती है, कई लोगों को इससे दिक्कत भी होती है, इसलिए ये हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क सिस्टम जो ग्रामीण भारत के लिए एक उपहार सा होगा, इसका आज सफल परीक्षण हम लोगों ने मनेंद्रगढ़ इस ग्राउंड से प्रारंभ किया है, जो चिरमिरी के CHC में लेकर उसको जाएंगे और वहाँ से, यहाँ से हमने दवाइयाँ भेजी हैं और वहाँ दवाइयाँ को हमारे हेल्थ टीम के द्वारा कलेक्ट कर उसमें ब्लड सैंपल भेजा जाएगा और वो मात्र 15 मिनट में जाने में लगेगा और 15 मिनट आने में लगेगा। सबसे पहले तो ये अभी भारत में सबसे पहला जो प्रथम सेवा चालू हुआ था अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, एंड उसके बाद उड़ीसा में हमारा सिंगल पूरा फुल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है कंधामल में। और ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र और जो बहुत गरीब क्षेत्र रहते हैं तो लोगों को ये रहता है कि वहाँ पे सेवाएं मिलती नहीं है, कुछ जो एडवांस दवाइयाँ वहाँ पे मिलती नहीं है और जो आसपास के हैं वहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक हो नहीं पाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, एक गरीब बड़े फैसिलिटी जा नहीं पाता है क्योंकि पैसे उनके पास होते नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट लेता ही नहीं, वो ट्रीटमेंट साइकिल से ही बाहर चला जाता है सर। तो अभी जो ड्रोन कनेक्टिविटी अगर हो जाएगी तो जो पास के उसके जो अस्पताल है, जैसे PHC हो गई या CHC हो गई, तो उसको जो DH की सेवा है, जिला अस्पताल की सेवा है, वो उसको उपलब्ध हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसको कुछ एडवांस टेस्ट का जरूरत है तो ब्लड वहाँ पे ही कलेक्ट हो जाएगा एंड ड्रोन के माध्यम से वो ब्लड आपके जिला अस्पताल चला जाएगा। जैसे सर ने बताया 1-2 घंटे में टेस्ट हो जाएंगे, तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगा, तुरंत उसको दवाई मिल जाएगी।